बच्चों, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिंपल सा समझ में आता है। जो फिंगरप्रिंटिंग है उसका डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग है उस तरह से। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, एलेक जेफ्रे। क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले यूज़ में लाया एलेक्जेंडर एलेक जेफ्रे जेफ्री ने। एलेक जेफ्री ने क्या किया? सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिगार्ड बात किया। यहाँ पे इन्होंने क्या कह रहा है कि जो है 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंस होता है डीएनए में, ये सेम होता है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन की स्पीसीज लिया जाए, तो एक दूसरे के बीच में डीएनए को के बेस पेयर सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये जो बेस पेयर सीक्वेंस होंगे सेम सेम होंगे। 99.9% 0.1% क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। 0.1% डिफरेंट होंगे। अब सोचो, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बेस पेयर सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है? 0.1%। और एक दूसरे के बीच में हम लोग अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती है, एक का फेस दूसरे से नहीं मिलता है, बोलने का स्टाइल, अदर अदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो सिर्फ 0.1% बेस पेयर जो डिफरेंट है उस बेस पेयर डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें दिखती है। 99.9% क्या है? बेस पेयर सीक्वेंस। बेस पेयर सीक्वेंस इज डिफरेंट, है ना, इज सेम, इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, इन ऑल इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ह्यूमन की स्पीसीज को लिया जाए, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ऑल इंडिविजुअल्स में 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस क्या है? डिफरेंट है। बेस पेयर सीक्वेंस इज डिफरेंट। इन ऑल इंडिविजुअल्स इस तरह से 0.1% डिफरेंस है। अगर उल्टा हो जाता है तो एक तो हाथी हो जाता है, एक चींटी हो जाती है। इस तरह से अगर बेस पेयर सीक्वेंस में सेम कितना है? ज़्यादा है। डिफरेंस कितना है? 0.1%। 0.1% में ह्यूमन स्पीसीज़ में एक दूसरे के बीच में सिमिलिटीज़ डिसिमिलिटीज़ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिसिमिलिटीज़ होती है। अब यहाँ पे ये जो डीएनए का जो इवेल्युएशन किया जाता है, बेस पेयर सीक्वेंस को देखा जाता है, तो डीएनए को सेपरेट किया जाता है ह्यूमन बॉडी से और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट पे एक बीम बनाया जाता है। डीएनए सेपरेशन, इसके लिए एलेक जेफ्रे ने क्या किया? डीएनए सेपरेटेड ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट। डीएनए को सेपरेट किया ऑन डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट पे इसको क्या किया? सेपरेट किया गया और वहाँ पे देखा गया इस तरह से दो पीक बनते हैं, एक बल्क डीएनए का और एक जो है मिनी, है ना, मिनी डीएनए का, बहुत कम। इस तरह से दो पीक बनता है, ये बल्क में बनता है
और ये बहुत कम, मिनी, इतना भी नहीं, बहुत छोटा सा। इस तरह से दो दो तरह के बेंड है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट पे डीएनए सेपरेट किया जाता है, तो दो तरह के ग्रेडियंट, दो तरह के बेंड का इस तरह से यहाँ पे इवेल्यूशन होता है। बल्क डीएनए इस तरह से होती है, और स्मॉल वाला जो होता है रिपीटेड फॉर्म्स में ये कम होता है, इस तरह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेलाइट डीएनए, इसको बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट डीएनए है ना, ये जो सेटेलाइट डीएनए होता है रिपीटेटिव डीएनए होती है, इट हैज़ रिपीटेटिव डीएनए, इट हैज़ रिपीटेटिव डीएनए, रिपीट करता है ना, रिपीटेटिव डीएनए होती है, बार बार ये क्या होती है, रिपीटेटिव होती है। 0.1% सीक्वेंस डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स और 99% बेस पेयर सीक्वेंस इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, इस तरह से होती है। यहाँ पे ये जो रिपीटेटिव डीएनए होती है, इसको किस बेसिस पे, यानी कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में डिफरेंशिएट किया गया है, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट में, मिनी और माइक्रो में इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, है ना, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए है, इट हैज रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है, इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट में जो है ए टी बाई जी सी रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सीक्वेंस, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सीक्वेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द सीक्वेंस रिपीटेटेड, द सीक्वेंस रिपीटेटेड, कितनी बार रिपीट होता है इस बेसिस पे, है ना, रिपीटेटिव डीएनए, जिसको हम लोग सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं, उसको डिवाइड किया गया है। और ये जो सीक्वेंस रिपीट होता है, रिपीटेटेड सीक्वेंस, इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, कॉपी नंबर बोला जाता है, कॉल्ड कॉपी नंबर, इस तरह से इसको क्या बुलाता है, कॉपी नंबर बुलाता है, नंबर ऑफ टाइम्स सीक्वेंस रिपीटेटेड कॉपी नंबर बोलते हैं। इस बेसिस पे ये जो सैटेलाइट डीएनए है, जो रिपीट होता है, डीएनए बार बार रिपीट होता है, उसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, ए टी रेशियो जी सी, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सीक्वेंस रिपीटेड, जिसको कॉपी नंबर बोलते हैं, उस बेसिस पे रिपीटेटिव डीएनए को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिपीटेटिव डीएनए टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में, मिनी
सैटेलाइट और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। मिनी सैटेलाइट अदर नेम्स है इसमें, VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, मिनी सैटेलाइट है ना, छोटे छोटे, माइक्रो और छोटा, मिनी है ना। इसको बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीटेड, सिंपल सीक्वेंस रिपीटेड SSR, माइक्रो सैटेलाइट, और मिनी सैटेलाइट को बोलते हैं VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTR इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इसके फुल फॉर्म कई बार नीट में पूछे हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, नंबर टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। मिनी सैटेलाइट है ना, क्या है, VNTR है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, रिपीटेटिव DNA, मिनी सैटेलाइट, VNTRs जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, और माइक्रो सैटेलाइट्स है जिसको हम लोग SSR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SSR, सिंपल सीक्वेंस टैग। क्या बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस टैग, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स बोलते हैं, आर रिपीट्स। ये दो फॉर्म्स में होती है, रिपीटेटिव DNA जिसको हम लोग सैटेलाइट DNA बोलते हैं, बहुत कम वैल्यू में होती है। इसका जो है हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट में जो बीम को देखेंगे यानी कि ग्राफ को देखेंगे तो एक बल्क फॉर्म में होगा और एक क्या होगा, मिनी सैटेलाइट होंगे है ना, मिनी ग्राफ होंगे जिसमें रिपीटेटिव DNA होंगे। ये जो मेथड होती है DNA को सेपरेट करना और फिर उसका इवेल्युएशन करना, DNA फिंगर प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, मेथड है DNA फिंगर प्रिंटिंग का। तो अब हम लोग देखेंगे DNA फिंगर प्रिंटिंग मेथड को, मेथड ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, किसके थ्रू, एलेक जेफ्रे के थ्रू। DNA फिंगर प्रिंटिंग, मेथड ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, सबसे पहले DNA फिंगर प्रिंटिंग किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे DNA को आइसोलेट किया जाता है ना, जिस भी स्पीसीज का होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म का होगा, ह्यूमन बीइंग्स में जो भी जिसका भी इवेल्युएशन होगा, DNA फिंगर प्रिंटिंग किया जाएगा, उसके DNA को आइसोलेट किया जाता है ब्लड सैंपल से या फिर अदर सैंपल से। फर्स्ट जो मेथड होगा आइसोलेशन किसका होगा, DNA का होगा, आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन ऑफ DNA। ये जो आइसोलेशन प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग मेंशन करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरा जो है, DNA को जब आइसोलेट करते हैं तो इंडो न्यूक्लियस के थ्रू उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन ऑफ DNA बाय इंडो न्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस होता है बाय इंडो न्यूक्लियस। तीसरा, सबसे पहले DNA को आइसोलेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या करते हैं, इसका सेपरेशन करते हैं, डाइजेशन आफ्टर देन सेपरेशन। उसके बाद क्या करते हैं, ब्लोटिंग पेपर पे, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे उसका क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। फोर्थ किसमें, ब्लोटिंग पेपर में। ये ब्लोटिंग पेपर जो होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का होता है, इसमें क्या करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो लेवल VNTR, बाद में क्या करते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विथ रेडियो लेवल विथ रेडियो लेवल रेडियो लेवल विथ रेडियो लेवल VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स VNTR करते हैं, है ना, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो बार बार क्या करता है, वेरी करता है, मैंने सेम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बार बार रिपीट्स होते हैं जो सीक्वेंस, है ना। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं आइडेंटिफाई VNTR का। सिक्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑटो रेडियोग्राफी, उसके बाद क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं टू आइडेंटिफाई VNTR, VNTR का आइडेंटिफिकेशन बोलते करते हैं। मेथड ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग में सबसे पहले आइसोलेशन, डाइजेशन ऑफ DNA, है ना, सेपरेशन, देन ब्लोटिंग पेपर पे इवेल्यूएशन, और फिर हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी टू आइडेंटिफाई VNTR। ये VNTR जो है उसका नंबर्स बढ़ाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर रेडियो ऑटोग्राफी में इसका इवेल्यूशन होता है, आइडेंटिफाई होता है VNTR का। ये प्रोसेस होती है किसमें, DNA फिंगर प्रिंटिंग में। एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है, मेथड होती है DNA फिंगर प्रिंटिंग का, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। एग्जाम्पल में इस तरह से हम लोग दो इंडिविजुअल्स को लेते हैं, इंडिविजुअल ए और दूसरा इंडिविजुअल लेते हैं बी, दो पर्सन को लेते हैं, अलग अलग पर्सन को लेते हैं, उनके क्रोमोसोम का इवेल्यूएशन करते हैं। इंडिविजुअल ए और बी के क्रोमोसोम्स का इवेल्यूएशन क्या आता है, क्रोमोसोम नंबर 1 को लिया जाता है, किसी भी क्रोमोसोम्स को ले सकते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम 1 को लिया, इसमें जो DNA है उनमें जो VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, इसका इवेल्यूएशन करते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसमें होमोलोगस पेयर्स होता है, इसमें क्या होती है, होमोलोगस पेयर्स होता है, तो इस तरह से होमोलोगस पेयर्स है, इंडिविजुअल बी का भी होमोलोगस पेयर्स होगा। इसमें VNTR को देखेंगे कितनी बार ये रिपीट्स करता है, कितनी बार ये रिपीटेशन होती है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 इंडिविजुअल ए का अगर मेंशन करें तो यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 बार, माना 5 बार ये रिपीट हो रहा है VNTR, है ना। दूसरा जो होमोलोगस पेयर्स है इसमें 3 बार हो रहा है, इस तरह से ध्यान से समझेंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 में इस तरह से रिपीटेटिव DNA जो है 5 टाइम्स है और 3 टाइम्स है इंडिविजुअल ए में। इसी तरह बी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे माना यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स है ना।
रिपीटेटिव डीएनए कितनी बार, 8 बार, 8 टाइम्स, और दूसरा जो होमोलोगस पेयर है इसमें 2 टाइम्स, है ना। क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी क्रोमोसोम नंबर बट दोनों का सेम लेंगे, एक लिए तो एक, दूसरा अगर लेंगे तो दोनों का होगा, होमोलोगस पेयर्स होंगे इस तरह से। ये होमोलोगस पेयर्स इंडिविजुअल ए का, इंडिविजुअल बी का होमोलोगस पेयर इस तरह से। अब रिपीटेटिव सीक्वेंस को देखेंगे, डीएनए कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे यहाँ पे माना 4 बार रिपीट हो रहा है इस तरह से, 4 टाइम्स। दूसरा जो पेयर्स है होमोलोगस पेयर्स, इसमें 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स ये क्या हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए रिपीट हो रहा है। इसी तरह इंडिविजुअल बी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इवेल्यूशन करते हैं कितनी बार डीएनए रिपीट हो रहा है सेम, है ना। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम हो रहा है। होमोलोगस पेयर्स में देखेंगे तो 1 टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स को अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स। दोनों के पहले डीएनए को मेंशन करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 के होमोलोगस पेयर्स इंडिविजुअल ए का बी का सेपरेट करके देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 में ए का, है ना, रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस को देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है, इंडिविजुअल बी का कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग और एक क्रोमोसोम्स को ले लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 3, है ना, इंडिविजुअल ए का भी क्रोमोसोम नंबर 3 होगा। यहाँ पे देखते हैं कितनी बार डीएनए रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर देखें तो माना यहाँ पे 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। होमोलोगस पेयर्स को देखेंगे, यहाँ पे मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब अगर इंडिविजुअल बी की बात करें तो इंडिविजुअल बी में होमोलोगस पेयर है, कितनी बार ये सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो इसमें अगर देखें 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स, है ना। और जो होमोलोगस पेयर है वो 7 टाइम्स करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टाइम्स। अब ये जो है दो इंडिविजुअल्स है, है ना, इस तरह से दोनों इंडिविजुअल्स का क्रोमोसोम नंबर 1 और 2, 3 का सैंपल इस तरह से लिए, VNTR DNA रिपीटिंग सीक्वेंस को देखे, VNTR को देखे, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में इंडिविजुअल ए का 5 टाइम्स 3 टाइम्स, इंडिविजुअल बी का 8, 2 इस तरह से, और फिर क्रोमोसोम नंबर 2 पे 3 पे ये हमारा सैंपल पेपर मिला, इस तरह से होती है। अब कोई थर्ड पार्टी है, ये सारा मेथड जो होता है कहाँ पे होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, कहाँ पे होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये तो सैंपल पेपर लिए, इस सैंपल पेपर को क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट मीन्स नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे इसका इवेल्यूएशन करते हैं, इसका इवेल्यूएशन करेंगे, दोनों सैंपल पेपर को, ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है ना, डाइजेस्टेड फॉर्म्स में है, डीएनए रिपीटेटिव फॉर्म्स में कितनी बार कौन से क्रोमोसोम्स का हुआ है, उस सीक्वेंस को क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इसका क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब इस डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस पे क्या किया जाता है, बैंड बनाया जाता है, किस पोजीशन पे कौन रहेंगे, तो यहाँ पे अगर पोजीशन देखें ऊपर से नीचे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से अगर देखें, और इस डीएनए रिपीटेटिव डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो यहाँ पे बैंड बनेगा अलग अलग पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा से ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा से लेते हैं, कितनी बार सबसे ज़्यादा हुआ, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स में इसको हम लोग मेंशन करते हैं डीएनए को, है ना, 10 टाइम्स, उसके बाद 7 टाइम्स ये बैंड बनेगा इस पोजीशन पे,
सेवन सिक्स सिक्स पोजीशन में डीएनए का, सिक्स सेवन सिक्स, सिक्स से छोटा फोर, फाइव भी है फाइव, ये बैंड बनाते हैं डीएनए का, फाइव फोर फोर, उसके बाद क्या करते हैं फोर थ्री थ्री, ये अलग अलग पोजीशन पे है ना इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो अलग अलग जगह पे नाइट्रोसेल्यूलोज में डीएनए का बेंडिंग होगी, डीएनए का इस तरह से बेंड होगा। अब इंडिविजुअल बी के जो सैंपल हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे भी है ना 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मैक्सिमम टाइम से रिपीट हुआ तो 8 हुआ 8, उसके बाद 8 7 7 टू टाइम्स, 7 कितने टाइम्स है टू टाइम्स है, तो इस तरह से सेवन टू टाइम्स है तो सेवन पे बनेंगे, उसके बाद देखते हैं सिक्स पे बनेंगे है ना सिक्स, उसके बाद किस में बनना है टू में, तो टू में सबसे नीचे होगा, मैं सबसे नीचे दिखा रहा हूँ, ये एक सैम्पल पेपर यहाँ पे हमने देखा दो दो चार दो छः, दो दो चार, और इसके बाद यहाँ पे देखो सेवन एट सेवन सेवन सिक्स है ना फोर, फोर पे भी बनेंगे तो फोर पे इस तरह से सैंपल पेपर्स बनेंगे। ये दो इंडिविजुअल्स का इस तरह से बैंडिंग डीएनए बैंडिंग हो रहा है। अब जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उनके सैंपल्स पेपर कहीं ना कहीं से मिलता है, तो ये जैसे मर्डर करके जो भागा है ना शक है उनके शक नहीं है उनके स्पॉट पे जो है क्या कुछ डीएनए कलेक्शन मिले किसी भी तरह का, उसका क्या किया जाता है एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेंट बनाया जाता है। तो इन दोनों के साथ उसका क्या किया जाता है कंपेरिजन किया जाता है किसके साथ ज़्यादा मिल रहा है। अगर उसकी बात करें तो उसका सैंपल पेपर को फिर इसी तरह से क्या किया जाता है इसका भी इस तरह से बैंड बनाया जाता है। जैसे एक मर्डरर है उसके सैंपल पेपर्स मिले हमें स्पोर्ट में, उसके भी क्या किया जाता है सैंपल पेपर्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे 12 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो जैसे जैसे है ना ये बैंड बना है ये मर्डरर का भी डीएनए सैंपल को अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमें बैंड मिलागा। तो बैंड हमें मिलता है ना एक दो है ना एक दो तीन चार पे है ना उसके बाद छः पे सात पे और फिर आठ पे इस तरह से है ना। अब इनका इंडिविजुअल होगा इन दोनों से क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे जिसके साथ ज़्यादा ये बैंडिंग के इलेक्ट्रोजेल फोरेसेस में ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगे उसका क्या होगा ये उसको इस तरह से क्या किया जाएगा अप्लाई किया जाएगा। तो इसकी अगर बात किया जाए यहाँ पे इंडिविजुअल बी में जो कलेक्शन है उससे इस सी का जो है क्या होता है कंपैरिजन करें, ये सी इंडिविजुअल्स है तो इसकी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा इंडिविजुअल बी के साथ मिल रहा है, वन टू फोर सिक्स सेवन एट, तो ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस किसके तरफ जाएगा सिमिलरिटीज इसके लिए जाएगा बी के लिए है ना। तो यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है एक्चुअली किस लिए होता है टू सॉल्व टू एप्लीकेशन टू सॉल्व एप्लीकेशन टू सॉल्व किसके लिए सॉल्व किया जाता है मर्डर केस के लिए है ना। मर्डर केस में इस तरह से दो पे शक है तो उस ब्लड सैंपल को उस दोनों मर्डरर के साथ क्या किया जाता है कंपैरिजन किया जाता है जिससे ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है उसको मर्डरर केस माना जाता है ना। उसके अलावा यहाँ पे डीएनए
मैच्योरिटी एंड अदर मिस्ट्री के लिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है ना, डीएनए मैटरनिटी। और अदर केसेस मैटरनिटी के लिए, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एक ही इसमें हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसका है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उसके माता उसके मदर को, है ना, मदर और उनके बच्चों के बीच में इस तरह से करके क्या किया जाता है, सही केस किया जाता है, सही बच्चों को सही मदर तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर मर्डर केस में और मैटरनिटी केस में इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। इसको इजी वे में और भी हम करके सिंपल सिंपल करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।